तो दोस्तों कैसे आप सभी, अगर आप भी घर बैठे काम करना चाहते हैं, आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, आप भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा जी हाँ जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्वेल्थ पास ग्रेजुएशन दोनों के लिए जॉब होने वाला है। साथ में इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14,000 से लेके 19,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर से सैलरी देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो भी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको 15 से लेकर 1 महीने के बीच में ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। यानी इसके लिए जो भी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ट्रेनिंग के दौरान दे दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें फ्रेशर जो है वो भी यहाँ पर से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। या जी हाँ, अगर आप कहीं से पास आउट हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें जो है फ्रेशर आप नहीं हो, आपने कहीं पर से जॉब किया है और आप चाहते हो कि यहाँ पर जॉब करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये जॉब जी हाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए ये होने वाला है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसी तरीके जी हाँ जॉब अपॉर्चुनिटी वाले वीडियोस देखने के लिए और पैसे कमाने के डिफरेंट डिफरेंट वे जानने के लिए। सबसे पहले जी हाँ इस जॉब की बात करें तो इस जॉब का यहाँ पर से देख सकते हैं इस जॉब का नाम होने वाला है टेली परफॉर्मेंस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जी हाँ पैन यहाँ पर से इंडियन है, ये पूरे जी हाँ इंडिया के अंदर में यहाँ पर से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये ई कॉमर्स प्रोसेस का है जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल जाएगा। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है जी हाँ, जिसमें आपको जो है कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एज ए कस्टमर हूँ और यहाँ पर से मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, वो ऑर्डर मुझे जी हाँ रिटर्न चाहिए या जो है वो ऑर्डर मुझे नहीं मिला, मेरी प्रॉब्लम है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कस्टमर केयर से बात करूँगा तो उस दौरान अगर आपका जॉब लग जाता है तो सिर्फ मेरे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, बस यही काम है। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि कैसे बात करना है, कौन सी लैंग्वेजेस में बात करना है, वो सारा कुछ आपको पहले ही ट्रेनिंग के दौरान में दे दिया जाएगा। यहाँ पर जी हाँ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, मेल और फीमेल दोनों जो है कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इस पर क्लिक करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम जी हाँ यहाँ पर नाम डालना है, ईमेल आईडी, अपना नंबर डालना है, अल्टरनेटिव एक यहाँ पर से नंबर डालना है। उसके बाद जी हाँ अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर से आपको डाल देना है क्या है। अगर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन है, बीबीए है और यहाँ पर एमकॉम है, वो आपको डाल देना है। यहाँ पर आप जो है डाल सकते हो। उसके बाद नीचे जेंडर आपको डालना है कि आप मेल हो या फीमेल। यहाँ पर से मैरिटल स्टेटस डालना है, सिंगल, मैरिज, एज डालना है कि आपकी एज क्या है, करेंट सिटी आपको डालना है कि अभी आप किस सिटी में यहाँ पर से रहते हैं। उसके बाद जी हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया इसमें सैलरी जो है वो 14 से लेके 19,000 रुपये है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें जी हाँ आपको होगा क्या कि आपकी सैलरी जो है 19,000 के बीच में आ जाएगा और जो फ्रेशर है उसको 14,000 के बीच में सैलरीज देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जो भी आपके पास है, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर जी हाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस किस चीज़ में आपका है तो यहाँ पर से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, सेल, एचआर, फाइनेंस, ईटीसी, बीपीओ, तो ये सारा जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी नहीं है यानी अगर आप फ्रेशर हो तो सिर्फ आपको एनए यहाँ पर डालना है, आपको डालना है एनए जो कि आपको ऊपर में दिख रहा है। उसके जी हाँ कंपनी का नेम आपको यहाँ पर है तो इसमें भी आप एनए फ्रेशर डाल सकते हैं, किस कंपनी में आप पहले काम करते थे अगर आपके पास है वो कंपनी तो आप यहाँ पर से डाल दें। बाय द वे फ्रेशर है तो एनए आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए करेंट लास्ट सैलरीज, पहले आपको कितना सैलरीज मिलता था अगर आपको वो आपको पता है तो ये आप डाल दें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सिर्फ जीरो या ओ लिख सकते। ओके, उसके बाद यहाँ पर है रेट, यहाँ पर से देख सकते हैं योर हिंदी स्किल, स्पीकिंग स्किल, तो आपका यहाँ पर से हिंदी कैसा है तो ये पूछा जा रहा है। आप इसमें जैसे भी हो, अगर आप जी हाँ यहाँ पर एक्सीलेंट हो, गुड हो, एवरेज हो, तो जो भी आपके पास जैसा भी आप इंग्लिश हिंदी बोल पाते हो उस तरीके से आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका इंग्लिश का क्या है तो वो भी आप डाल सकते हो, एवरेज है या पुअर है, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि आप कौन कौन सी भाषा यहाँ पर से जानते हो, तो जो भी आप जानते हो वो सिंपली आपको टिक कर देना है। आपके पास लैपटॉप वगैरह है या नहीं वो सिंपली आपको टिक कर देना है, जी हाँ। आपके पास वाईफाई है कि नहीं, क्योंकि घर पर अगर आप काम करोगे तो दो चीज़ों की तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, साथ में लैपटॉप है। देखो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो जी हाँ फ्रेशर को इसमें लैपटॉप भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद देखो लैपटॉप में यहाँ पर से रैम कितना वगैरह है तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें जी हाँ रैम की पड़ती है। लैपटॉप का प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि लैपटॉप का रैम क्या है वो आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रैम है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है
तो आई डोंट हैव लैपटॉप बट आई विल अरेंज, आप अरेंज कर लेंगे वो आप डाल सकते हैं क्योंकि जॉब लगने के बाद आप अरेंज कर पाएंगे आई होप। उसके बाद जी हाँ आपसे पूछा जाएगा कि लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, तो जो है तो कर देना, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव लैपटॉप बट आई विल अरेंज वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर से अपना जो है रिज्यूम जो है वो आपको डाल देना है, जो भी आपके पास रिज्यूम है वो आपको डाल देना है और सिंपली आपको सबमिट पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे जी हाँ एचआर के पास जो है आपका फाइल चला जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू, ज़्यादातर ये जो है ऑनलाइन ही आपका यहाँ पर से इंटरव्यू होगा। जैसे इंटरव्यू आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद ऑनलाइन ही आपको 15 से लेकर 1 महीना के बीच में ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस ट्रेनिंग में जी हाँ आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से बात करना है, बात करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्किल है, वो स्किल आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद जी हाँ आपको उसमें जो है आप सैलरीज बता सकते हो कि हाँ मुझे इतना सैलरी चाहिए। सैलरीज का जैसे आपने देखा 14 से 19 हज़ार के बीच में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपनी सैलरीज इंक्रीज करवा सकते हो कि हाँ मुझे आप जो है 19 हज़ार के बीच में रख सकते हैं। बाय द वे अगर आप फ्रेशर हो तो आप 14 हज़ार ही रहने देना। तो ये था जी हाँ जो कि परफॉर्मेंस का ये जो है जॉब है, जो कि यहाँ पर से बहुत सारी कंपनीज 3-4-5 कंपनीज मिलकर जो है इसमें जो है वह वर्क फ्रॉम होम जॉब लेती हैं, जिसमें सिर्फ आपको बात करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आई होप ये जानकारी मैंने आप सभी को दिया है। अगर आप इस जॉब के लिए यहाँ पर से अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाए। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड